अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ सलमान। जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एयर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट श्रीलंका इन द फर्स्ट T20। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। इंडिया के 213 पर 7 विकेट के बाद जब श्रीलंका ने 13 ओवर में 140 रन सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर बनाए, तब गुरु पल भर के तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गंभीर दौर की शुरुआत जो है वो सूर्यास्त के साथ हो जाए। लेकिन तब हमारे अंडररेटेड पापू अक्षर पटेल ने कहा, भाई साहब भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी, वर्ल्ड कप में भी आपको हम ही जिताए थे, यहां पर भी आपके लिए हम ही जलवा जलाल करें। और फिर अक्षर पटेल का वो ओवर जिसमें 9 रन और 2 इंपॉर्टेंट विकेट, और उसके बाद गौतम गंभीर का वो सरप्राइज पैकेट रियान पराग के तौर पर, जिसने आपको मैच नहीं था बल्कि भारत के गंभीर दौर की शुरुआत सूर्योदय के साथ हुई जब इंडिया ने 43 रनों से ये मैच जीता। गौतम गंभीर मुस्कुराते हुए नजर आए, सूर्य कुमार यादव का खुश होना बनता था क्योंकि फुल टाइम कैप्टेंसी मिलने के बाद ये पहला मैच था, और इस पहले मैच में उनकी कप्तानी में रोहित शर्मा की झलक दिखाई पड़ी। एक बल्लेबाज के तौर पर वो कमाल थे, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इस मैच में उनका था, और पोस्ट मैच जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तब वो विराट बन गए। विराट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि T20 फॉर्मेट में जिन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है उसमें सूर्य कुमार यादव फिलहाल नंबर 1 हो गए। 16 बार वो अवार्ड पा चुके हैं, 16 बार ही विराट को मिला। लेकिन विराट और सूर्या के मैचेस की तुलना की जाए तो काफी कम मैच सूर्या ने खेले हैं, इसलिए वो नंबर 1 है। 15 सिकंदर रजा, नबी 14, रोहित शर्मा 14, ये लिस्ट आती है। लेकिन इसी के साथ इंडिया ने पहला मैच जो है श्रीलंका को 43 रनों से हरा दिया है, और श्रीलंका एक अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के बावजूद ये मैच हार गई। 140 पर 1 थी, 166 पर 7 पर वो सिमट जाती है। खैर पहला मैच तो हो गया, लेकिन बताओ दूसरा कौन जीतेगा? नहीं, यहां बताने का बहुत फायदा नहीं है, हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करो और सीधे जाओ प्रोमो ऐप पर, बताओ इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड मैच कौन जीतेगा। बहुत सारे इनाम आपके साथ, हम बता दे रहे हैं इंडिया जीतेगी, यस पे क्लिक कर देना, सिर्फ यस या नो बोल रहा होता है कि इंडिया हराएगी, यस हराएगी। प्रोमो इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन बेस्ड ऐप है, अलग अलग टॉपिक्स पर, न्यूज, पॉलिटिक्स, बिग बॉस, हर जगह आप ओपिनियन दे सकते हैं। फिलहाल क्रिकेट मैच का है, अगले दिन ही क्रिकेट मैच, दूसरा T20 मैच, जाओ बताओ। 2 करोड़ से अधिक यूजर है, इंस्टेंट विड्रॉल है, सेफ है, बढ़िया है, वो वाला भी नहीं है जो इंडिया गवर्नमेंट मैन करती है, तो बड़ा आसान रहेगा। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के बल्लेबाज इस मैच में बढ़िया खेले थे। पहला मैच में ऐसा नहीं कि श्रीलंका फुद्दू खेल रही थी, श्रीलंका अच्छी थी, बढ़िया टीम थी, 14 ओवर में 140 रन थे, और ऐसा लग रहा था कि वो जाएंगे यहां से अलग लेवल पे जाएंगे, बड़ा क्रिकेट खेलेंगे, मोमेंटम सेट करेंगे। लेकिन आखिरी के 5 ओवरों में श्रीलंका पैनिक करके, वो जहां पर अपनी नफ्स को होल्ड करके रखना होता है वहां श्रीलंका अपनी नफ्स को होल्ड नहीं कर पाई, और इसी वजह से ये मैच उन्होंने गंवा दिया। 5 ओवर 2 गेंद में, आखिरी के 32 गेंदों में श्रीलंका केवल 30 रन बना पाई और उसमें 9 विकेट उनके लिए। मेरे हिसाब से इस मैच में जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो अक्षर पटेल का ओवर था, 15वां ओवर, प्रेशर बना हुआ था, 14 ओवर तक कमाल के रन थे, 140 रन इज टू गुड, सिर्फ 1 विकेट गिरा था, लेकिन अक्षर पटेल का वो ओवर इस मैच को पलट देता है और पहली बॉल पर विकेट गिर जाता है, फिर उसके बाद सिंगल जाता है, फिर चौका जाता है, डॉट बॉल, चौका, और आखिरी बॉल पर फिर एक बार विकेट। वो जो अक्षर पटेल का विकेट था वो विकेट नहीं बल्कि शायद इंडिया के गंभीर सूर्योदय की शुरुआत थी। अक्षर पटेल ने इंडिया को वापस लाया, अक्सर ये काम पहले भी करते आए हैं जब उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। अक्षर पटेल की कई सारी पारियां ऐसी हैं जो शायद इतिहास में उस तरह से याद ना की जाए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है। लेकिन वो टीम इंडिया के पालनहार, वो जिताते हैं आपको मैच, पलटना जानते हैं बल्ले से, गेंद से, और वही भरोसा रहा। बाकी सरप्राइज पैकेज इस मैच में मेरे हिसाब से रियान पराग भी थे। रियान पराग को जब ओवर करवाया गया 17वां ओवर, तो उस वक्त ये लग रहा था कि क्या ये सही फैसला है, मतलब समझ में डाउट था। लेकिन फिर वही कहानी है कि गौतम गंभीर पर आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, और गंभीर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड चीजें, और रियान पराग वही थे, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाले। 1 ओवर 2 गेंद उन्होंने की,
पांच रन दिया और तीन विकेट निकाल दिया और मेरे हिसाब से ये मैच का बहुत बड़ा मूवमेंट था कि यार मतलब पूरा मैच पलट दिया। 17वें 20वें ओवर में गेंदबाजी करके मैच पलटना कमाल था, कमाल था। सूर्या गंभीर दोनों ने मिलकर रिस्क लिया और इस रिस्क को उन्होंने सही साबित किया। बल्लेबाज के तौर पर डिसअपॉइंट किया था लेकिन ये जो क्रेजी मूवमेंट था ये कमाल था, कमाल था। इस मैच में कई सारे और मूवमेंट थे जैसे ऋषभ पंत शुरुआत में काफी स्लो खेल रहे थे, 22 बॉल पे शायद 20 रन पर थे लेकिन आखिर में उन्होंने बल्ला चलाया और 33 बॉल पे 49 रन की उनकी पारी थी। इस मैच में श्रीलंका ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, श्रीलंका ने निसंका खासतौर पर शुरुआत जबरदस्त थी, 48 पे 79, कुशल मेंडिस 27 बॉल पे 45 रन। इंडिया की भी जबरदस्त शुरुआत थी, शुभमन गिल का टेम्पो जो था मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जयसवाल तो हमेशा तेज खेलते लेकिन शुभमन का वो अंदाज मुझे आज भा रहा था कि यार ये बढ़िया खेला गया है। जयसवाल ने 21 पे 40 बनाए और शुभमन ने 16 पे 34 बनाए। सूर्या वॉज आउटस्टैंडिंग एज यूजुअल, 26 पे 58, ऋषभ पंत 35 पे 49। और बेहतर ये हो सकता है, मुझे लगता है कि ऋषभ ने शुरुआत में काफी डॉट बॉल्स खेली बट अंत भला सब भला। बट 20 ओवर में 213 रन जब बन जाते हैं तो आप मैच में वापसी कर लेते हैं, कभी भी वापस हो सकते हैं आप और इस मैच में यही पता लगा। इस मैच में श्रीलंका से केवल पथराना कमाल थे गेंदबाजी में, सूर्या का विकेट निकाला, पंत का निकाला, पराग का विकेट निकाला, हार्दिक का निकाला, ही वॉज टू गुड, लेकिन बाकी गेंदबाज उतने कमाल नहीं थे। भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप वॉज टू गुड, 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, सिराज वॉज गुड, 3 ओवर 23 रन, अक्सर थोड़े महंगे थे बट क्या जबरदस्त गेंदबाजी। रवि बिश्नोई थोड़े महंगे थे, चोट भी लगी बट कमिटमेंट अच्छा था। रियान पराग एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम माय साइड, बट इंडिया ने पहला मैच जीत लिया है, लेट्स जस्ट होप कि दूसरा मैच भी इंडिया जीते और सीरीज अपने नाम कर ले। बाकी दूसरा जीतेगी नहीं जीतेगी उसका जवाब आपको प्रोमो पर देना है जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी है। बिल्कुल यार, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और टीम इंडिया ने पहला मैच भी जीत लिया और ये मैच काफी ज्यादा खास था, एक तो एक कैप्टन के लिए और एक गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि एक पहली दफा एक कैप्टन बन के सूर्या कुमार यादव वो एक मैच में उतरे हैं तो उनके लिए ये काफी मैच था और गौतम गंभीर के लिए तो उससे भी ज्यादा खास था कि एक सबकी नजरें थी कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं टीम इनके इनके कोचिंग में या नहीं देते, लेकिन एक टीम इंडिया की जो एक बैटिंग थी ना वो वाकई बहुत एक कमाल की खेले हैं। लेकिन ठीक है कि श्रीलंका भी अच्छा खेली है यार। नहीं बाकी सही बात है, एक गौतम गंभीर का भाई अब एरा स्टार्ट हो गया है एज ए कोचिंग, लेकिन जैसा भी था ना एक लोग भाई ये क्रिकेट और ये ऊंच नीचे हर चीज़ होती रहती है, अगर एक मैच हार जाते तो फिर भी एक तनकीद तो नहीं होनी थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब कि दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक मौके की तलाश में होते हैं, लेकिन इतना बड़ा मार्का नहीं था अगर हार भी जाते, क्योंकि आप एक बैटिंग लाइन पर आ जाए तो भाई 213-14 रन बनाना बहुत एक हैवी एक स्कोर है वो भी एक श्रीलंका में जाकर, लेकिन हम इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि श्रीलंका इतना मतलब कि खेलेगी इतनी अच्छी, फिर भी यार उनका एक स्टार्ट कमाल का था एंड पर उन्होंने जहाँ पर एक कंट्रोल करना था ना मैच को वहाँ पर उनसे कंट्रोल नहीं हुआ गया और ऐसे ही विकेट मतलब कि 160 पर तो हम देख रहे थे कि यार एक दो आउट थे लेकिन 170 पर सारी लंका ही तबाह हो गई। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक टेम्पो बना के रखना जो है ना वो एक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी एक जो है ना वो मैच में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो कि मतलब एक लग रहा था कि इंडिया को ये एक मौका ज़रूर मिलेगा। असल में इतना कोई एक ये नहीं कह सकते कि मतलब एक मुश्किल था एक उनके लिए, लेकिन ये कि उन्होंने भाई काफ़ी हद तक मामला जो है ना वो एक कवर कर लिया था एक श्रीलंकन टीम ने, वो जैसे भी खेल रहे थे लाग यही रहा था कि ये एक टाइमली जो है ना वो एक बना के चले जाएंगे, लेकिन अक्सर हमेशा एक बापू का रोल भी अदा करते हैं एक ज़रूरत के मुताबिक, और अब तो खैर उन्होंने अपना एक थोड़ी शेप भी उन जैसी बना ली हुई है, लेकिन उन्होंने भाई एक सही विकेट निकाले दो जो कि एक इम्पोर्टेंट थे एक, और उसके बाद एक पता ही नहीं लगा कि टीम एक श्रीलंका की तरह गई है। बाकी भाई मैच इम्पोर्टेंट तो भाई एक ज़रूर था, एक एक ओपनिंग थी दो बंदों की क्योंकि अगले मैच तक या एक थोड़ा सा ना वो न्यूज़ में रहना था कि क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो हमसे वो हुआ नहीं है। देखो ना खेलना तो प्लेयरों नहीं है लेकिन डायरेक्शन उन्होंने देनी है और एक जो है ना वो स्टार्ट अच्छा हुआ, आप उम्मीद है कि आगे भी चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ होंगी, लेकिन
एक बहुत खुशी हुई भी मैच जीत गए हैं भाई। नहीं नेक्स्ट मैच भी भाई ये काफ़ी अच्छा होगा, श्रीलंका अच्छा खेल रही है। नहीं वो जहरी बात है खेल तो वो भी अच्छे रहे हैं, लेकिन टीम टीम का भी फर्क है ना। सिराज अभी चलना था, वो जो एक जादू उसने करना होता है ना इनके खिलाफ यार। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।